नमस्कार बच्चों, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में आत्मविश्वास और सच का सौदा इस पाठ के EOY एग्जाम के रिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरे पाठ जो अरुणिमा सिंह और छत्रपति शिवाजी, इन पाठ में आने वाले प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, दिए गए वाक्यों में सही या गलत पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, वे सही है या गलत है, आप लोग उसे पहचान कर लिखना है। तो देखो, पहला है ट्रेन दुर्घटना में अरुणिमा निशान लगाना है और पल नहीं हुई। अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल नहीं हुई। ये सही है या गलत, आप लोगों को लिखना है। और तीसरा है, अरुणिमा की आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंट है। ये सही है या गलत, आप लोग निशान लगाइए। और चौथा है, अरुणिमा को लोग चमत्कार के नाम से भी जानते थे। ये सही है या गलत है, आप लोग निशान लगाइए। आशा है कि आप लोग इसके सही उत्तर देंगे। और दूसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आप लोग कुछ शब्दों में लिखना है। तो पहला है, वीर शिवाजी के पिता का क्या नाम था। देखो, छत्रपति शिवाजी पाठक, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है? हाँ ठीक है, वही आप लोग यहाँ पे लिखना है। और दूसरा है, शिवाजी के दादाजी ने उन्हें क्या सिखाया। देखो यहाँ पे, शिवाजी के दादाजी ने शिवाजी को क्या सिखाया, आप लोग पाठ में सुने होंगे, टेस्ट में भी लिखे होंगे और स्टडी मटेरियल में भी है, नोटबुक में भी है, और आप लोगों को नेक्स्ट की आंसर मिलने वाला है उसमें भी इसका उत्तर दिया गया है। आप लोग ठीक से उसे प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। और तीसरा है, मावल के लोगों को किसकी ज़रूरत थी। यानी मावल के लोग जो शिवाजी जहाँ जाते हैं वहाँ मावल के लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत को शिवाजी यहाँ पे पूर्ण करते हैं, वे किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये आप लोगों को लिखना है। और चौथा है, शिवाजी का गौरव देखकर कौन घबरा गया। यहाँ पे शिवाजी, इन सारे के सारे प्रश्न उत्तर आप लोग ठीक से लिखिए। और यहाँ पे देखो, पांचवा है, ट्रेन दुर्घटना के बाद अरुणिमा का सामना कैसे कैसे लोगों से हुआ। यानी ट्रेन दुर्घटना के बाद हाथ कटा या पैर कटा, वो आप लोग लिखना है। उसके एक्सीडेंट के बाद अरुणिमा को किन किन लोगों की सामना करना पड़ता है, ये आप लोगों को लिखना है। अरुणिमा ने किस तरह अपने लक्ष्य की प्राप्त की, अरुणिमा अपने लक्ष्य को किस तरह प्राप्त की। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना अपना लक्ष्य मानकर प्राप्त की, क्या है वह आप लोग लिखना है। तो देखो, सातवां है, अरुणिमा ने अपनी आत्मकथा के बारे में क्या बताया है। अरुणिमा अपनी आत्मकथा, क्या है उनकी आत्मकथा, यहाँ पे ऊपर देखिए उनकी आत्मकथा में वे क्या लिखा है, क्या बताया है, ये आप लोगों को लिखना है। और देखो आठवां, अरुणिमा ने आज के बच्चों के लिए क्या संदेश दिया है। अरुणिमा ने आज के बच्चों के लिए यानी तुम लोगों के लिए क्या संदेश दिया है, ये आप लोगों को लिखना है। और अंत में है, एवरेस्ट पर चढ़ने में समय कौन सा ऐसा पल है, एवरेस्ट पर चढ़ते समय कौन सा ऐसा पल है जिसे आज तक अरुणिमा भूल नहीं पाई। यानी जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते रहती है, उस समय कौन सा ऐसा समय है जो अरुणिमा आज तक उस पल को नहीं भूलती है, उस पल को आप यहाँ लोग यहाँ पे लिखना है। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारे प्रश्न ठीक से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसके उत्तर ठीक से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले एग्जाम में के आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में और दूसरे लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।